दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का यूएनएससी में भारत की परमानेंट मेंबरशिप को लेकर गुस्सा एक बार फिर से फूटा है। ब्रिक्स सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान उन्होंने अपने एक भाषण के जरिए मौजूद देशों के विदेश मंत्रियों के सामने एक बार फिर से इस मुद्दे को उठाया है। यूएनएससी के मौजूदा स्थायी सदस्य देश चीन और रूस को दुनिया के कई बड़े देशों के आगे एस जयशंकर ने बड़े ही कड़े शब्दों में कुछ ऐसा कह दिया, जिसके बाद यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता की मांग एक बार फिर से तेज हो गई है। भारत जिस तरह से हर एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल यूएनएससी में रिफॉर्म की जरूरत को समझाने के लिए कर रहा है, उससे भारत के पक्के इरादे साफ तौर पर झलक रहे हैं। हालांकि भारत के पक्के इरादे से तो पूरी दुनिया वाकिफ है। एक तरफ जहां भारत यूएनएससी में रिफॉर्म्स को लेकर लगातार इन देशों के पीछे पड़ा हुआ है, तो वहीं भारत ने अपने ही देश में रात के अंधेरे में एक ऐसा कारनामा करके दिखाया है जिससे पूरी दुनिया हैरान है। हमारी दूसरी बड़ी खबर डिफेंस सेक्टर से निकलकर सामने आ रही है। हाल ही में डीआरडीओ ने एक बहुत ही बड़ा सफल परीक्षण भारत की सबसे खतरनाक और घातक मिसाइल का किया है, जिसके बारे में भी हम आज की इस वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं। तो चलिए हमारे आज की इन दोनों ही महत्वपूर्ण खबरों के ऊपर नजर डालते हैं। शुरू करते हैं आज की पहली खबर से, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो याद से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी आने वाली डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी खबरें आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, आपको शायद याद होगा कि पिछले महीने स्वीडन के दौरे पर गए हमारे देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक यूएन के परमानेंट मेंबर कंट्रीज के ऊपर एक कटाक्ष किया था। एस जयशंकर ने यह बयान दिया था कि जिन लोगों को पुरानी व्यवस्था से लाभ मिल रहा है वही इस बदलाव के विरोधी हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके विशेष अधिकारों को ये रिफॉर्म कमजोर कर देगा। सीधा निशाना उन पांचों सदस्यों की तरफ था जो इस वक्त यूएनएससी के परमानेंट मेंबर कंट्री हैं, जिसमें चीन, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका शामिल है। और इसी तरीके से एक बार फिर से ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान डॉक्टर एस जयशंकर ने फिर से इन देशों पर निशाना साधते हुए कहा है कि आपको इन सुधारों को लेकर ईमानदारी दिखाने की और सीरियस होने की जरूरत है। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने इन सभी देशों से कहा है कि आप ईमानदारी से आगे आइए और सच सच बताइए कि क्या आप इन प्लेटफॉर्म पर रिफॉर्म होने देना चाहते हैं या फिर नहीं। कहीं ना कहीं उनका सीधा इशारा चीन और रूस की तरफ था कि अब बहुत ज्यादा देरी हो चुकी है, अब आप साफ साफ तरीके से ईमानदारी से बताइए कि क्या इन रिफॉर्म को लाने के लिए आप मंजूरी दे रहे हैं या फिर नहीं, क्योंकि इसकी जरूरत कितनी ज्यादा है इस बात को बार बार भारत कई सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जाकर बता चुका है। दोस्तों, इस तरह के इतने बड़े इंटरनेशनल समिट के दौरान किसी एक इंस्टीट्यूशन पर इस तरह से कड़े बयान देना, जब वहां पर इन ऑर्गेनाइजेशन के मेन लीडिंग कंट्रीज शामिल हो, तो ये उन देशों के लिए बहुत बड़ी और शर्मिंदगी की बात है जो लगातार भारत के रिफॉर्म की रिक्वेस्ट को नजरअंदाज कर रहे हैं और डिले करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद यही की जा रही है कि शायद इस बार रूस, चीन और बाकी देशों में दबाव बनेगा और वे यूएन में रिफॉर्म की प्रक्रिया को तेज करेंगे। इसी के साथ दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी आज की दूसरी बड़ी खबर की तरफ, जो कि भारत के डिफेंस सेक्टर से निकलकर सामने आई है। भारत की डीआरडीओ ने एक बार फिर से एक बहुत बड़ा कारनामा करके दिखाया है और एक बहुत बड़ी घातक मिसाइल का परीक्षण भारत ने कल रात में किया था। दरअसल दोस्तों, भारत ने अग्नि-1 का सफल परीक्षण हाल ही में उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम आइलैंड में किया है। दोस्तों, जिस अग्नि-1 मिसाइल को लॉन्च किया गया है वह अग्नि सीरीज का ही हिस्सा है, जिसमें अग्नि-1 से लेकर अग्नि-5 तक 5 अलग अलग तरह की मिसाइल मौजूद है, जिनकी रेंज 700 किलोमीटर से शुरू होती है और 5000 किलोमीटर तक है। यानी कि हाल ही में जिस अग्नि-1 मिसाइल को आसमान में दागा गया है उसकी रेंज 700 किलोमीटर है, वहीं अग्नि-2 की रेंज 2000 किलोमीटर है, अग्नि-3 की 3000, अग्नि-4 की 4000 और अग्नि-5 की 5000 से 6000 किलोमीटर तक की है। रक्षा मंत्रालय के स्पोक पर्सन ने अग्नि मिसाइल की तारीफ करते हुए बताया है कि ये मिसाइल एक्सेप्शनल और हाई एक्यूरेसी के साथ अपने टारगेट पर सटीक वार करने में सक्षम है। भारत ने पिछले साल अक्टूबर में उड़ीसा के कोस्ट से बैलिस्टिक मिसाइल के न्यू जनरेशन अग्नि प्राइम का सक्सेसफुल टेस्ट किया था। उसी सक्सेसफुल टेस्ट लॉन्च के 8 महीने के अंदर ही अंदर अग्नि सीरीज की पहली मिसाइल अग्नि-1 का सक्सेसफुल लॉन्च हो चुका है, जो भारत के डिफेंस की क्षमताओं को दर्शाता है। दोस्तों, मिसाइल एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो चुका है। भारत के बेड़े में एक से बढ़कर एक खतरनाक मिसाइल है, जिसका DRDO लगातार परीक्षण कर रहा है और उसकी रेंज पर लगातार काम कर रहा है। भारत के इन वैज्ञानिकों के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो बनता है, साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।